Well, it works. ठीक है भाई, वही है, कंटिन्यू करेंगे। क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का ठीक है भाई, वही है भाई। आपने पढ़ी है बाइनोमियल थ्योरम? आप कहाँ से हैं भाई? धीरे से मेरा यार, भी तो बहुत अच्छा हुआ भाई है। कम से कम अगर आप ये पढ़ लोगे नहीं ट्यूशन से, तुम्हारा छूटा पेंडा छूट जाएगा। जब मैथ की ट्यूशन पढ़ते हो नहीं, इससे तो अच्छा ही हो जाएगा। कभी हो जाएगा नहीं इससे, बिल्कुल और आगे की चीज है। मैथ में तो इतना सा बताएंगे, ठीक है भाई। एक बाइनोमियल थ्योरम में बताया था मैंने, क्या बताया था भाई ये? फिर वही है, एक बार वो बता दिया था बच्चे ने, x प्लस वाई की पावर n। क्या था भाई ये? क्या था? एम सी जीरो एक्स की पावर n प्लस एम सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई प्लस। क्या यहाँ वाई की पावर जीरो लिख लो भाई, ये तो बता। किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो करते हैं तो वैल्यू क्या होती है? वन। तो फिर वाई की पावर जीरो यहाँ नहीं लिखी, यानी एक्स की पावर जो है घटती जाएगी, वाई की पावर बढ़ती जाएगी। ये सीधा सीधा पावर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कई दिन से भी यही कर रहे हैं ना। एंड सो ऑन, ये हो ठीक है भाई। इसकी जनरल टर्म्स क्या बताई थी मैंने फिर एक बार, वो पी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, बोलो, एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ये तो बताई थी, ये तो इतना तो ध्यान हो गए भाई। ये होता है, ये सी जो है कॉम्बिनेशन होता है, पढ़ाई होगा तुमने एन सी आर क्या होता है पढ़ाई है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा नहीं आप? चलो मैं बता दूँ एक बार, वो ठीक बता दूँ ठीक है। फिलहाल एक सवाल लिखो भाई, आपको कहाँ गए भाई आज एक और थे तभी ठीक है। एक सवाल है, सवाल क्या है? ये सवाल है ए अपॉन बी, लिखो ए अपॉन बी का रूट की क्यूब ये प्लस बी अपॉन ए क्यूब अपॉन बी की पावर 21 की पावर 21 ए अपॉन बी रूट बी इस तरह की पावर ये 21 ये आर नहीं आई है ये एनसीआर ऊपर की 21 लिखिए सवाल लिखो विच है फाइंड द टर्म्स ऑफ फाइंड द इसका आगे लिखना फाइंड द टर्म्स ऑफ विच है आराम से तो गर्मी हो रही है एकदम गर्मी लगा आते हैं क्या फाइंड द टर्म विच है ए एंड बी द सेम वैल्यू ए एंड बी द विच हैव सेम पावर ऑफ ए एंड बी विच हैव सेम पावर ऑफ ए एंड बी आगे बात बोले देखो भाई ए और बी की सेम पावर है उसकी वैल्यू निकालनी है इसके एक्सप्रेशन में इसके ठीक है अब इसके एक्सप्रेशन में किससे निकाल सकते हैं भाई फिर देखो ये है और ये है इसकी पावर कितनी है भाई तो आदमी था बनवा ले पहले आदमी था नहीं आया है कि आदमी था ये है तो नहीं तो किस तरह करते हैं इसको जिस तरह इसकी इसकी सारी की पावर कितनी है देखो जो सोल्व करने की कोशिश करते हैं जैसे ये है ए अपॉन बी यू की हाँ इसकी पावर थी यही तो है ना भाई इसको आदमी था बनवा ले थोड़ा सा इसकी सारी की पावर कितनी है 1/3 देखो इसे यही लिख सकता हूँ मैं ए अपॉन रूट बी की पावर 1/3 ठीक है भाई ये जितनी भी पावर यहाँ लिखी हुई होती है उसकी 1/4 में लिख देते हैं ये तो होता है यानी क्यूब रूट है क्या है क्यूब रूट
अगर दो होता तो कितनी लिखते यहाँ, वन अपॉन, अगर यहाँ कुछ भी ना होता, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कितनी पावर लिखते इसकी, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। उसका मतलब क्या होता है भाई, स्क्वायर रूट का मतलब दो जोड़े में से एक जोड़ा ले लो, ये तो होता है। अच्छा अब इसकी पावर कितनी ले सकता हूँ मैं, ए अपॉन बी की पावर हाफ और की पावर 1/3, लिख दो भाई कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो। यस सर। अब इसकी पावर इसमें ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, बोल लो। ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/6। इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बच जाएगा, ये ए की पावर क्या आ जाएगा, ये ए की पावर 1/3, बी की पावर 1/6। या तो जो ये वैल्यू रखी है ना, ये इसकी वैल्यू रखी है, इसकी वैल्यू रखी है, इसकी वैल्यू जो है ये रख दूंगा मैं, ए की पावर 3, क्या लिख दूंगा मैं, ए की पावर 1/3, क्या लिखूंगा, ए की पावर 1/3, बी की पावर -1/6 माइनस। अब इसका क्या आ जाएगा भाई करके इस तरह, देखो ये क्या आ जाएगा, b की पावर हाफ और a की पावर 1/3 और सारे की, और इसकी पावर कितनी आनी, 1/2 भी आनी, आई नहीं बात है, आई नहीं थोड़ी नहीं आई, अगर नहीं समझ आई तो सही बोल लो। इसे b अपॉन a की पावर 1/3 और सारे की पावर 1/2, अब तो समझ आ गई। देखो सारे की पावर कितनी है, 1/2, बी जू कर दूंगा, ए की पावर कितनी है, 1/3। अब फिर इसकी पावर की दोनों मल्टीप्लाई कर लो, जिसको क्या आ जाएगी बोल लो, बी की पावर हाफ और ए की पावर 1/6, घिरा क्या आ गया, बी की पावर हाफ ए की पावर -1/6, ये आ गया, प्लस क्या आ गया, बी की पावर हाफ ए की पावर -1/6 की पावर कितना आ गया, 20। खाते बात नहीं आगे, अब इसका क्या निकाल लेता हूँ मैं, जनरल टर्म्स निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ टर्म्स की, जनरल टर्म्स में क्या फॉर्मूला था, TR+1=MCR f की पावर r, ये तो था निकाली थी भाई, जो भाई निकाल सको, अच्छा भारी थी लगी, और आदमी से बना दो उसका है, क्या आएगा देखो, TR+1=, क्या होता है वो, NCR, N की जगह क्या है, 21CR, X की पावर, X की वैल्यू क्या है, जो भी शुरू में लिखी होती है, देखो भाई इनके लिए बता रहा, जो बच्चे होते हैं ये डिमोर्स थ्योरम दो टर्म्स के लिए होती है हमेशा, कितने टर्म्स के लिए होती है, A+B x + y, जो पहली टर्म होती है वो क्या मानते हैं इसमें X, दूसरी टर्म क्या होती है, सीधी सी फॉर्मूला है, तो इसमें x तो सारा ये है, क्या जाएगा बोल लो, a की पावर 1/3, b की पावर -1/6 की पावर n-r, 21-r, और y की पावर r, y की वैल्यू कितनी है, b हाफ a की पावर -1/6 की पावर r, अभी नहीं बात हुई, अब तो आर 20 होगा, आर 20 है, आर प्लस 1 है ना, तो 20 बेटे, आर से बेटे 20 एन है, ये तो एन होता है, ये वही तो निकाली, कौन से टर्म्स के लिए होगा सवाल पूछा, यूं पूछा है कौन से टर्म्स के लिए ए बी की सेम वैल्यू होगी, वही तो आर की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक नहीं है, जब आर तुम्हें पता पहली में फिर क्या निकालना, 20 बताओ बस, ये तो सवाल ही खत्म, अब निकालना है क्या फिर इसमें, अगर यहाँ 20 लिख दिया, यहाँ 20 भी निकालना क्या है, फिर तो कुछ भी नहीं, उस टर्म की आर की वैल्यू निकाल, देखो किस तरह निकालते हैं, हाँ वो निकलवा रहा था 17 और 18 की वैल्यू कल कराते ना, वो 17 और 18 टर्म्स की वैल्यू सेम है, मेरे याद है वो, ये तो साहू 17 और 18 टर्म की वैल्यू, 17 को लिखा था T16+1, वो दिया हुआ था उसमें कि आर की वैल्यू, ठीक नहीं कल कराया था मैंने, अच्छा ठीक है, देखो अब क्या है, इसकी पावर
कि फिर वही जिस तो भी करा था मल्टीप्लाई कर दूंगा किस्त माँ, थोड़ा सा आदमी बना दू उसकी किस्त तो बनेगा आदमी इसका भाई बताओ। ए की पावर 1/3 20 माइनस आर क्या आ जाएगा, ए की पावर तुम्हारा बॉडी भर गया यार है? नहीं नहीं बोर्ड था भर गया, बोर्ड पर जगह चली गई। ए की पावर 21 कर लोगे माइनस आर अपॉन 3 ये आ गया भाई। बी की पावर 20 माइनस आर अपॉन 6 20 है जी, माइनस भी है माइनस है, तो इसे माइनस कर दूंगा इसे प्लस कर दूंगा, बस हो गया मेरे को तो काम सीधा सीधा ठीक है। इधर क्या आ जाएगा भाई बोलो, बी की पावर आर बाई टू आर अपॉन 2 इधर क्या आएगा, ए की पावर माइनस आर अपॉन 6 जियो। ए के भाई साहब ये रे, ए के ये रे भाई साहब, दोनों क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा पावर को, तो क्या आ गया बोल लो, इधर लिख दो ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं, तो ए की पावर क्या आएगा, ए की पावर क्या आएगा 21 माइनस आर अपॉन 3 प्लस माइनस आर अपॉन 6 इन्हें जोड़ना क्या आएगा देखो जरा, लिख लो थोड़ा सा यार 21 माइनस आर अपॉन 3 और माइनस आर अपॉन 6 पावर में है ना, इसे इसे जोड़ लो वैसे जो फ्रैक्शन को जोड़ा जा क्या आएगा लिख तो लेते तुमको, तब तीन के बीच में जी है कहाँ प्लस, तुम बहक रहे कल से कुछ है नहीं कर तो रे कुछ कर तो लिख तो ना, दबान नहीं चलने तो दबान नहीं चला रखा तुमने काम याद दो, तुमने बिल्कुल ही दबान नहीं चला रखा दो तीन दिन से हिस्ट्री क्लास में जिस तरह क्या गया भाई ये है 42 माइनस हाँ 42 में समझ गया भाई 42 माइनस आर अपॉन 3 हाँ चार बार आता है चलो ऊंचे सुनाई देने लग गया बहरा हो गया है 42 माइनस आर बाई देखिए भाई तुम्हारा क्या आया भाई जब भाई आया क्या आया बोलो बोलो क्या आया 42 हाँ इनका ठीक है बिल्कुल इसका ठीक है बिल्कुल यही ठीक है यही तो कह रहा था मैं तुम्हें हाँ तुम मुझे सोचेंगे बहरा हो रहा मैं यह 42 शाबाश 42 बोलो शाबाश 3 8 6 यही आएगा ये तुम्हारा गलत कहा है यूँ यूँ कर रहा था मैं बहरा बन हाँ जी हाँ जी हाँ कर रहे हैं ये बी की वैल्यू क्या है यार बी बी कर लेते हो बच्चों तो बताऊंगा मैं तुम्हें बी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 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 माइनस 21 प्लस 4 आर अपॉन 6 ये तो भाई यही आएगा सबका ये कोई कुछ कुछ अरे और बैठा गया ये है तो भाई चलो तो यही आया तो मैं थारी बात मान लो बी की पावर माइनस 21 प्लस आर अपॉन 6 यार यहाँ तक तो बात सुनवा की दिक्कत तो नहीं प्रॉब्लम नहीं इस आर से बनाते बनाते में इस तरह लिया है। अब सवाल में ये कह रहा कि ए और बी क्या है पावर सेम है क्या कह रहा है सवाल में नहीं कह रहा दिखाया था मैंने यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या आ गई सेम आ जाएगी और दोनों सेम रख देंगे तो आंसर भी इसका आ निकल जाएगा देखो किस्त निकाल लूँगा तो क्या आएगा 21 42 माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 21 प्लस 4 आर अपॉन 6 इस 6 से 6 जाओगे भाई है जी
और यहाँ तक दिक्कत तो नहीं, वही मानना तो नहीं हुआ। तो 42 इधर आगे क्या आ जाएगा, प्लस 21 42 प्लस इधर आगे क्या आ जाएगा, 4R प्लस 3R, क्यों गलत हो गया यार, एक R ऐसा लिखता जा रहा हूँ, एक R ऐसा है, एक ही R लिखना भाई, चाहे इसका लिख लो चाहे इसका लिख लो, है तो क्या आ गया ये 63 इक्वल टू 7R और R इक्वल टू 9 ही बता रहे। अब तो पेंडे हो गए बस, या लिख के पूरा लिया, पूरा ही कर दूँ, 63 इक्वल टू 7R और R इक्वल टू 63 अपॉन 7 और R इक्वल टू 4, R इक्वल टू 9, R इक्वल टू आसान था बढ़िया सवाल, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट से का सवाल था, नहीं तो बहुत ईजी था है, तो आर इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई इसकी भाई, 9 आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई, समझ गए ना ये कहाँ से कहाँ लिखा हुआ है, तो समझ आ जाओगे इधर का उधर लिखा हुआ है, इधर का उधर है भाई, समझा भाई, आगे बढ़ते हैं बल्कि ना गार्ड फिर थोड़ा समझ में लिया, ताड़ने में कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में लिया थोड़ा बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट, इफ ए एंड बी आर, ये ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट इंटीजर, if a and b are two distinct integers, prove that a minus b is the factor of a ki power n minus b ki power n, a ki power n minus b ki power n, Here any way positive integer। देखो सवाल क्या है, सवाल सीधा था है, सवाल ये सवाल सीधा था कटी। अब तो भाई साहब सबको मिटो तो भाई साहब को, देखो क्या है, देखो भाई ए और बी जो है, ये कह रहा ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक नहीं है, ये प्रूव करना है कि a की पावर n माइनस b, b की पावर n का फैक्टर a माइनस b होगा, a माइनस इसका फैक्टर क्या होगा, कल भी मैंने एक चीज़ बताई थी फैक्टर वाला, कल सवाल करा था, आज फिर बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहूँ भाई 6 का फैक्टर 2 है,
किस तरह लिख सके हैं इसे, टू मल्टीप्लाई कुछ आएगा, के आएगा मान लिया, ये तो आएगा कुछ तो आएगा ही, के की वैल्यू क्या आएगी, हाँ सीधी आएगी। और रिमाइंडर कितना आएगा तुम्हारा, यूँ तो लिखते हैं वो कोशेंट वैन लिखते हैं, क्या लिखते हैं तुम्हें, डिपेंडेंट इक्वल टू कोशेंट प्लस डिवाइडर प्लस रिमाइंडर, यही नहीं आता, यही नहीं होता वो, यानी अगर कोई इसका फैक्टर है, कोई इसका फैक्टर है तो उसका जो है मल्टीपल होगा कोई इसके साथ है। अब ये कह रहा कि ये अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का प्रूव करना है कि ए माइनस बी फैक्टर होगा, ए माइनस बी फैक्टर, इसे रिजल्ट को याद कर लेना, इम्तहान में ही आता है, इम्तहान में प्रूव नहीं करना ना, इम्तहान में आता है कि एक्स पावर फोर माइनस फाइव की पावर फोर का फैक्टर होगा, का एक्स माइनस वाई का फैक्टर होगा, अभी तो पता लिखे ना, ये देगा एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फैक्टर होगा, ये फोर नहीं देना, यहाँ ही देगा 1000 देगा, ये इस तरह देगा इतना तगड़ी सी पावर करके, फोर में देखो देख लेगा। तो इस मुझे फॉर्मूला क्या जा रहा है, अब मुझे प्रूव करके दिखाओ, थोड़ा देख प्रूव भी कर ले भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो भाई अब इसे प्रूव करना है कि इसका फैक्टर होगा ए माइनस बी, किसका प्रूव करते हैं, डिमोस थ्योरम लगा, हम क्या पढ़ रहे हैं डिमोस थ्योरम, डिमोस थ्योरम से प्रूव करते हैं। देखो भाई ये लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत तो हुई नहीं भाई लिखने में, परेशानी नहीं हुई किसी को यहाँ तक के, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या लिख लिया इसका, ए की पावर एन लिख लिया भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है यहाँ तक के तो इतना कर ही लेगा, एक भाई आगे भी कर लेंगे फिर तुमने, ए फिर लिखा मैंने, इसमें मेरा जी चाह रहा प्लस बी कर दूँ और माइनस बी कर दूँ, इसकी पावर एन कर दिया, दिक्कत हुई या मुश्किल है, हैं कुछ दिक्कत है, अरे भाई एक एक रुपया दे एक रुपया ले लेंगे फर्क पड़ा, लेकिन इसका क्या करा मैंने, ये माइनस वाला इसकी यारी रखा दोस्ती, उसके बाद अगला बल्ले भी तो जा दोस्ती, पहले भी दोस्त था अभी दोस्त होगी, फर्क पड़ा ये बी घटा दी, कि भाई दिक्कत तो नहीं। अब फिर क्या करा मैंने, यहाँ तक बात सुनवा गई भाई, कोई नई बात तो नहीं, सब कुछ पता था। अब क्या करा मैंने, इसको तो मान लिया मैंने फर्स्ट टर्म, और इसको क्या मान लिया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, जब दो टर्म्स हो गई तो अर्थ पावर है नेट, तो फिर क्या लगा सकते भाई, मैं बाइनोमियल थ्योरी में लगाऊंगा भाई, क्या हो बाइनोमियल थ्योरी में बुलाओ, एन सी आर नहीं जीरो थ्योरी में जितने टर्म थोड़े निकाल ला, इतना तो याद रखना पड़ेगा, देखो क्या गई बोल लो भाई, एन सी जीरो एन सी जीरो ए माइनस बी की पावर एन, ये बी की पावर जीरो लिखा नहीं करता है, बड़े सारे हो गए आगे बढ़ेंगे, बोलो एन सी वन ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर टू आगे बी का स्क्वायर, मतलब तो सीधी लिखेंगे लास्ट वाली, बड़े सारे हो गए ना सीधी है, क्या आ गया बोलो, एन सी आर एन सी एन आएगा, क्या आएगा एन सी एन सी एन की वैल्यू कितनी हो लिखू, एन सी एन भी हटा दूँ तो खत्म एन सी एन के, बहुत झंझट पैदा कर रही है, अरे वो एम सी जीरो भी हटा दूँ कोई दिक्कत तो नहीं, टू से हटा दूँ, चलो अब भी हटा दूँ, सीधा ये आएगा यहाँ बी की पावर है, दिक्कत ही नहीं भाई, हाँ तो अभी बात ये कह कि कुल चलता सारा बी की पावर एन चलता, चाहना क्या था मुझे, यहाँ बी की पावर एन भी चाहिए था, तो क्या आएगा ए की पावर एन माइनस बी की पावर, दोनों तरफ से माइनस बी की पावर एन घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्या आएगा बोल दो, भाई साहब की दावत करते हटा चले गए, क्योंकि क्योंकि हमारे काम कर लिया है, दिक्कत क्यों नहीं भाई कुछ,
कोई कोई दिक्कत नहीं बेटे, हाथ में माइनस बी की इसमें से तुम लोग बोल मत रखते बी की पावर एन हटा दिया। अगर कोई इक्वेशन होती है उसमें एक तरफ नहीं कर सकते, एक तरफ ये करना पड़ेगा कि जल्दी तो इक्वल होगा, नहीं तो अगर एक तरफ ये तो आंसर 100 एक कोई दे दिया तो 100 आंसर आ रहा है भाई 50 और प्लस कर लिया, ऐसा नहीं होता ना। अगर कोई इक्वेशन है जो इधर करना पड़ेगा वही, क्योंकि वैल्यू भी सेम रहनी चाहिए नहीं, फिर तो आंसर जो आता हमारा वही कर दिया करते, कैसे जोड़ घटाओ। हाँ तो बात नहीं आ गई भाई, अब क्या करते हैं इसमें इस बी की पावर एन से इसकी बी की पावर एन दावत करते गए, ये तो भाई साहब गए, क्या बचा बोलो एन आगे आगे एक और लिख दूँ और ये कम टर्म्स हो गई ना, तो एक और लिख दूँ है थोड़ा अच्छा तो लगेगा, टर्म्स कम हो गई ना आ गया, वहाँ तक दिक्कत तो नहीं है भाई। इस सारे में क्या करता हूँ मैं a माइनस बी कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यार ये जो टर्म वहाँ तक किया यानी यहाँ तक के एन तक की लास्ट तक के है, तो इसलिए सबसे छोटी पावर a माइनस बी आ गई, आगे चलते चलते तो a माइनस बी की a माइनस बी कॉमन ले लूँ, तो a माइनस बी कॉमन ले क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा बोलो, a माइनस बी की पावर है ना, आप क्या कह रहे हैं वन की पावर एन कहाँ हो जाएगा, मैंने कहा सारे में से ए माइनस बी को मैं ले तो सबूत है, अब ये इसमें क्या आ जाएगा, हाँ अच्छा पता नहीं किस तरह, देखो क्या होता है कॉमन का मतलब होता है सीधा सीधा क्या होता है, कॉमन का मतलब डिवाइड, कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड, कॉमन जो है सबसे छोटी पावर ली जाती है, देखो यहाँ एन माइनस थ्री आएगी फिर एन माइनस टू आएगी फिर एन माइनस एन एन माइनस एन की आएगी जीरो आएगी, जीरो से पहले क्या आएगी वन आएगी, यहाँ एन माइनस एन नहीं थी, फिर इसे यहाँ ए माइनस बी आई होगी लिख के वो टाइम इससे पहली समझ में आ गई ना, लिख दूँ देखो यहाँ जो ये टर्म कौन सी आई होगी इसमें, ये इसमें टर्म्स आई होगी ए माइनस बी एन की पावर एन माइनस एन, ए माइनस बी एन की पावर एन माइनस वन बी की पावर एन, यही तो आई होगी नहीं हो, यही तो थी हो, इससे पहले फिर ए माइनस बी एन यू आई होगी, एक से एक और कम है एन माइनस एन कितना हो जीरो नहीं होता, फिर से ए माइनस बी की पावर वन आई होगी, हाँ यही तो आई होगी वही वाली कॉमन भी मैंने ए माइनस बी, कॉमन का कॉमन होती है सबसे छोटी पावर, ये तो होता है कॉमन का मतलब, और दूसरा मतलब होता है डिवाइड, कॉमन का क्या होता है भाई डिवाइड, जैसे अगर मैं कहूँ कि x की दो में से मुझे x कॉमन लेना हो तो x से क्या कर दूँ मैं इसको डिवाइड, तो डिवाइड किस तरह होता है, ये डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, ऊपर कितनी है टू नीचे कितनी है वन, तो कितने आ गई टू माइनस वन कितनी आ गई वन, तो x की पावर वन x लिखेंगे वन लिखेंगे ऐसा x है भाई। इसी तरह अगर मैं a माइनस बी की पावर n को a माइनस बी से डिवाइड कर दूँ, इसकी पावर तो वन है भाई, तो एन में से क्या घटा दूँ वन एन माइनस, अभी नहीं बात बोलो भाई आई नहीं, कॉमन का लो क्या होता है डी, तो इन में सब में से क्या कॉमन ले लूँ मैं ए माइनस बी कॉमन ले क्या आ जाएगा यहाँ ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन, फिर एन सी वन आगे b की पावर n माइनस टू, फिर एन सी टू ए माइनस बी की पावर n माइनस थ्री, एंड फोन में इतना ही बहुत है मेरे तो इतना ही चले जा गए, आगे क्या करता हूँ देखो भाई मैं, यहाँ तो बात ही नहीं आ गई भाई आपकी, आगे बढ़े थोड़ा सा, अब देखो दे रखा इसने कि a और b आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये दे रखा ने पहले लिखवा देगा, इन दोनों का डिफरेंस भी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, इंटीजर ही होगा ये भी होगा इंटीजर, और इसकी पावर एन है ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर की पावर इंटीजर तो इंटीजर ही आ गया या कुछ और भी आ गया, इंटीजर नहीं आती, और इनका सम करके भी दो ये भी इंटीजर आएगा
ये भी इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर आएगा, और सम ऑफ इंटीजर कितना आता है? तो सारे इंटीजर ही आ जाएगा इससे। तो क्या इंटीजर है मान लिया, वो के है, के है मान लिया, सारा मान लिया कोई नंबर आएगा ऐसा आएगा, के है मान लिया कोई बड़ा सारा नंबर आएगा, उसे क्या नाम दिया जाए? मैंने के दिए। और ये कहेंगे बराबर है सारा भाई, अरे ये सारे इसके बराबर नहीं चल रहा। तो एक बार में कितना फैक्टर हो नहीं गया ये माइनस बी, अभी छः का बताया था दो गुना तीन, दिख गया बोलना नहीं हो मैं खुद इंटीजर हूँ, कह जी बताएगा खुद ना इंटीजर, बोलना नहीं हो खुद इंटीजर कहना कि इसकी गुना आ जाए किस नंबर से, किसी इंटीजर की किसी गुना में तो उसका वो इंटीजर उसका फैक्टर होता है। तो ए माइनस बी क्या आ गया इसका, हो गया प्रूव, ही बात है उतारना चाहो उतार लो उसको। आज निका बात क्यों इंटीजर है ये, बस तुम ही बोल लो अरे भाई देखो अगर यूँ हुआ देखो छः अभी बताया था मैंने छः तीन का फैक्टर है क्या लिखूंगा बताओ, छः मैंने तीन की मल्टीप्लाई करके हो जाना चाहिए, तीन का मल्टीप्लाई करके भाई ये फैक्टर नहीं है, ये तो फैक्टर लिखता, छः का फैक्टर लिखे बैठते तीन मल्टीप्लाई टू यू नहीं लिखते, अब इसमें बताओ क्या लिखो तो बताना पड़ा है, और तीन भी फैक्टर है दो भी फैक्टर है, तो लिखा है बच्चा लिखते नहीं है भाई। ये कॉन्सेप्ट है एक जो मैंने बताते कॉन्सेप्ट बताता है बताते नहीं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है ये, फाइंड द, देखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म in the expression of a plus b plus c की power n, देखो भाई भाई बता सके कितने टर्म्स होंगे इसके अगर एक्सप्रेशन कर दूंगा। अभी मैंने क्या बताया था, देखो ड्यूमस थ्योरम जब हमने शुरू करी थी बहुत डिटेल में बताया था इसके एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होंगे, तो बताओ बताओ भाई तुम्हें कितने टर्म्स होंगे इसके एक्सप्रेशन में,
शाबाश बिल्कुल बता दे कि मैंने कहा जितने यूनिट्स में एक प्लस होंगे इससे शुरू करवाया था। देखो इसका सीधा एग्जाम पहले जैसे नया बच्चा है ना इसका स्क्वायर देखो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस कितने टर्म्स हैं ये एक दो तीन जितनी पावर होती है उससे प्लस एक टर्म्स कर दो प्लस एक कर दो तो कितने इतने इसकी याद रहेगा भाई। अब लेकिन भाई साहब ने क्या करा ड्यूनर थ्योरम होती है कितने के लिए दो टर्म्स के लिए दो नंबर। अब इन्होंने भाई साहब ने क्या करा इसमें बता चल भाई इसमें कितने होंगे आज है तो ये तीन कुछ तो हो गई थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल सही कहा तुमने इस तरह ही करेंगे करेंगे इस तरह ही। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है सीधा फॉर्मूला याद कर लेना बताऊँगा आएगा कहाँ से इतने टर्म्स होंगे इतने ही इसमें दे देगा ए प्लस बी की पावर हंड्रेड में कितने एक्सपेंशन कितने टर्म्स होंगे फिर सोचो। अब वो अगर फॉर्म में लगाने लगे गुना करने लगे आधी रात बते रही है इसका क्या अंतर है देखो भाई यहाँ तक तो बात समझ में आ गई सवाल ही समझ में आ गया पहले तो सवाल समझ में आना चाहिए फिर है बाद की बात। इसको क्या करा मैंने इसको तो फर्स्ट टर्म मान लिया इन्होंने बताया था इसे सेकेंड टर्म ही नहीं मान लिया तो क्या आ गया बोलो ए प्लस बी प्लस सी यही करिए अब ये पहला टर्म्स आ गई ये कौन सी टर्म्स आ गई अब इसको क्या कर दिया मैंने बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा इन्होंने कहा है इन्होंने कहा आपने ए की पावर एन एन सी जीरो भगा दिया एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी प्लस सी अब तो चल गई मशीन थी है बस यही है हमारे यहाँ तो और क्या है बोल लो एन सी टू बोलो ए की पावर एन माइनस टू बी प्लस सी का स्क्वायर आगे बोलते हो तुम तो बोलते हो कम से कम है नहीं इतना चल रहा तुम दोनों छुपो क्या आ गया प्लस एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री बी प्लस सी की पावर क्यू प्लस एम सी फोर ए की पावर एन माइनस फोर बी प्लस सी की पावर फोर अब टू एंड सो ऑन इन्होंने कहा बहुत ज़्यादा हो गया अपनी तली को ये तो कह रहे थे तुम अच्छा अच्छा यहाँ तक कि बताओ किसी बात नहीं है कोई नई बात नहीं बताई भाई मैंने सब बता दी तुम्हें तो भाई आगे बताओगे फिर तो है देखो भाई एक छोटी सी कोशिश करते हैं अगर समझ में आ जाए ये कौन से टर्म्स है पहली मैं पहले गर्म बच्चा बता पहला मोनू यो चोनू यो गोलू यो पोलू उससे नाम रखते चले जा गए यही नहीं होते बच्चे ना तो ये पहला बच्चा है फर्स्ट टर्म ये कौन सी टर्म्स है सेकंड ये कौन सी टर्म्स है थर्ड ये कौन सी टर्म्स है ये कौन सी है यहाँ तक बात समझ आ गई। ये जो फर्स्ट टर्म्स के इन फर्स्ट टर्म में कितने टर्म्स आएंगे इसमें कितने टर्म है इसके अंदर फर्स्ट टर्म में इसमें एक ही पावर एन है कितने टर्म है बेटे इसमें केली में इसमें 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 कितने टर्म्स है एक ही है बेटे अब किसी समझ में नहीं आया भाई एक टर्म्स है किसी समझ में नहीं आया बताओ तो मैं बता दूँ समझ नहीं आएगी एक टर्म्स है देखो ये है अगर नहीं समझ में बता रहा तुम्हें देखिए एक अच्छा एग्जाम पर देखता हूँ कभी नहीं यहाँ तुम्हारे पापा जी आए तो सारी जमीन सब पापा जी खो गए ये जमीन है घर है एक टर्म से है अब क्या हो गया पापा जी के कोई भाई भी होगा वो तय होंगे या चाचा होंगे एक ही तो बात है तुम्हारे उनकी भी शादी हो गई तो घर में ताई आएगी या क्या आएगी अच्छा वो आएगी तो फिर क्या होगा फिर ही रहेगा ये क्या करेगी बात ती हाँ वो क्या करिए एकदम सीधी इसमें बीच में बिल्कुल बीचम बीच दीवार खिंचवाएगी यहाँ से नहीं जाएगी नाप ले नाप ही खींचेगी ए वो यूँ खींचेगी तक देने के लिए अब कितनी टर्म्स हो गई भाई हैं दो दरवाजे हो गए अब बुआ जी यहाँ भी आएंगी पहले रक्षाबंधन में यहाँ भी आएंगी हैं ये सबके घर की हर घर घर की कहानी है तो कौन सी टर्म्स होगी अभी ये दो एक अब बाई चांस एक और होता भाई तीन हो जाता
चार होते, चार हो जाते, मतलब यूट्यूब पे दो भी बहुत है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो है अगर शादी इनके खत इनके आएगा तो इनके भी आएगा, इनके आएगा, ये सब अलग हो गए हैं, सब अपनी फैमिली से सेट हो गई है, अब बढ़िया हो गया। अब तो यानी टर्म्स का मतलब है कितने में, अब इसमें भी अलग दीवार कहते होती है, इसमें दीवार तो खींचनी नहीं, यहाँ भाई यहाँ भी दीवार खींची, इनके अलग करता है टर्म्स को, अलग करता है प्लस या ये ऑपरेशन अलग करता है। देखो अगर कितना भी नंबर बड़ा हो, ये कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर है, क्योंकि यो घर था जब तक दीवार नहीं खींची थी, चाहे पापा जी के कितने साले कुछ भी है, रिश्तेदार कितने आ रहे हैं, चाची नहीं आई थी जब तक के, सब एक काम मौज मार रहे थे, हैं कोई मौज थी, मौज नहीं थी, अब सारा हमारा, अब यहाँ से वहाँ तक के हमारा घर है, ये बता के जमीन हमारे पास 100 बीघे है, हैं अब बहुत हमारे घर है, लेकिन जैसी आ गई अब कितनी जमीन हो गई एकदम उसी दिन, अब 50 रह गई हमारे पास, कितनी रह गई 100 की आदि, अब भाई 50 हो गई। अब ये बात दीवार की है, कौन सा निशान खींचता है दीवार इसमें, प्लस और तो दीवानी खींची भाई तुम्हारा, कितना ही नंबर हो, ये तो बेचारा खुद ही छोटा था, ये कि पावर एन बड़ा सारा हो, तो कितने टर्म्स हैं बेटे तुम्हारा, अब तो सिनेमा आगे बैठे, इसमें कितने टर्म्स हैं भाई, एक ही टर्म है बेटे, देखिए दीवार इन्हें खींच दी, चाची एक रखी है बैठी है, ये देख एक ही होगा, हाँ तो बी प्लस सी है, तो दीवार दीवार तो चाची है जी, मैंने बता दो चाची कौन है ऐसा प्लस या माइनस, ये बैठी थी एक चाची या ताई समझ लेते, मेरी चाची समझता, कितने कितने घर के दिन आती है सवार, दो टर्म्स हो गई, और मल्टीप्लाई फिर तो कितनी याद मिला जाए, देखिए तो आती जैसे बुआ और मूसिया में जो इसकी भी जाएगी इसकी भी जाएगी मल्टीप्लाई नहीं है, तो सेकंड टर्म में कितने टर्म्स हो गए भाई, इन सेकंड टर्म्स कितने टर्म्स हैं, टू टर्म्स, बात भाई इसमें कितने टर्म्स होंगे भाई, अभी बताया था मैंने इसमें कितने टर्म्स होंगे, ये कितने टर्म रखोगे रखा हो, कहना बाद बात गुना राम हो ये तो है, इसमें चार टर्म बी प्लस सी पावर टू में, हाँ अरे अभी तो बता डिवाइड करोगे, अभी तो बता भाई बी प्लस सी प्लस टू में एक ज्यादा पावर हो, टर्म्स ये नहीं बताया तुमने, बताया था मुझे तो इसमें कितने टर्म्स रखे हैं, इसी में फॉर्म ने खोली दिखा था बी प्लस क्या प्लस सी प्लस प्लस टू ए बी, कितने टर्म्स रखे हैं इसके अंदर भाई, एक प्लस होगी भाई, ये दो भाई हो गए, तीन भाई, इन पर 35 बीघे जमीन आवेगी, दो नहीं रहे हैं, एक छोटा भाई भी है अंदर इनके, टू ए बी वाला है रखा नहीं, तो कितना आ गया, तो थर्ड टर्म में कितने टर्म आ गए भाई, इन थर्ड टर्म कितने जाएंगे, तीन टर्म्स आ जाएंगे। अच्छा ये भाई साहब चौथे टर्म इसमें कितने टर्म्स होंगे भाई, बस इतना ही बोलते हैं आपके देख लेंगे, चलो अच्छा ये बात समझ में आ गई क्या, बताओ भाई है भाई, अच्छा मुझे निकालना क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, नंबर ऑफ, अच्छा बाद में यहाँ ये तो लिखो, पिछले जमीन तो बढ़ गई, झगड़ा नहीं बढ़ गया, देखो भाई पहले में कितने टर्म्स हैं बेटे, एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में पांच, में बाकी गिनती थोड़ी गिनते हैं, इसमें यहाँ लास्ट में कितने टर्म्स होंगे बताओ, क्योंकि हाँ क्योंकि इस में कितने टर्म्स होंगे सारे में, तो बाद में एन प्लस वन ही आएगा, यहाँ तक तो बात सुनवा गई होगी, जो एन प्लस वन टर्म्स आएगा यहाँ उसमें एन प्लस वन में टर्म होंगे, देख पहले में एक टर्म्स है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है, चौथे में चार है, एन में मैं एन होंगे और एन प्लस वन में मैं, हाँ ए पी बन गई, ए पी भी बन गई, या सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला हो, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो, फॉर्मूला पढ़ा खा तुमने, पढ़ा नहीं भाई किसी ने, चलो भाई ए पी बन गई, ए पी तो सजन भाई समानता श्रेणी का योग का क्या फॉर्मूला हो, चल उसी फिर कर देंगे हम, तो एन प्लस वन कौन है, हाँ वही तो, अच्छा मैंने पूछा था भी बता रही, देखो भाई सम ऑफ लिख लिए पहले ये लिख लो, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, एन
एन प्राकृतिक संख्या होगा, एन एन प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एन इंटू एन प्लस वन पॉइंट टू क्या होता है? लिख लिया, अब तो याद आ गया होगा, यानी इनका किन का योग है? फर्स्ट टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव अप टू एन, यानी एक से लेके अगर एन तक प्राकृतिक संख्या है उनका योग जो है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होगा। ये सीधा डायरेक्ट फॉर्म है रिट्रीब्यूट। क्यूब का क्या हो, क्यूब का भी लिखवा दू डाटा आपको, लिख लो क्यूब, एक क्यूब दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस चार का क्यूब लिख लो, क्या आ जाएगा? प्लस एन का क्यूब, इसका सबका स्क्वायर कर दो, इनका सबका क्या कर दो, इसका सारे का स्क्वायर क्या जाएगा? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का, हाँ जी स्क्वायर का ही है, स्क्वायर क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, देख लो नहीं यार फिलहाल इससे कौन चला गया, इसलिए एन इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन मल्टीप्लाइड टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स सारे का, ठीक है भाई? ये रिलेटिव है भाई, इसे तोते की तरह जब पुरु अगर कहीं मैंने ए पी जी पी मेरा नंबर है पढ़ाने फिर समझाएंगे तो आया कहाँ से आया, फिलहाल तो इससे कौन चल जाएगा, यहाँ तक बात नहीं, अब तो रटने वाली बात नहीं। तो मुझे इससे लेना देना किससे था? इससे था सम, इनकी इनका सम क्या आ जाएगा? गलत कर गया, थोड़ी सी बात गलत कर गई, स्कूटी नेहरू मार्केट में चल रही इस टाइम, घर थोड़ी चल रही। इसमें कितने टर्म्स हैं बेटे, कब है यो, और अब कितने टर्म्स हैं? तो एन की जगह क्या लिखा जाएगा, तो क्या आएगी बोल दो, एन प्लस वन, आगे एन प्लस वन प्लस वन अपॉन कितना आएगा यो, एन प्लस वन एन प्लस टू, बस यही डायरेक्ट फॉर्म। अगर कहीं भी ये तीन टर्म्स दे रखे हैं वो तो पावर एन है, फिर उसने मेरे दिमाग तुमने तो पूछा था, मेरे जब मैंने तो बता भी रहा था तुमने तो पूछा होगा टू, अगर देख लिया करो भाई, अगर कोई अगर बाई चांस मिस्टेक गलती हो जाए तो फिर सीट कर लिया करो बाई चांस, या बता भी दिया करो या कुछ भी समझ जाओ करो, इतनी लिखने वाली बात गलती हो जाए। तो क्या आ गया भाई इसका, यानी कि अगर तीन टर्म्स हो उसकी पावर एन हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एन प्लस वन मल्टीप्लाई एन प्लस टू। अगर मान लिया ये कह देता है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसकी पावर हंड्रेड, इसकी पावर ये आएगा सवाल, ए प्लस बी प्लस बी की पावर हंड्रेड में कितने टर्म्स होंगे, कितने पद होंगे जब इसका एक्सपेंशन करेंगे, कितने होंगे भाई? हाँ ये तीन तीन नंबर होंगे, तीन टर्म्स होंगे, तो क्या आएगा, हंड्रेड प्लस वन इंटू हंड्रेड टू अपॉन टू से काट देंगे फिर से जो मल्टीप्लाई हो, देखो ये तो, देखो ये तो इसकी पावर है, जिसकी क्या है पावर है, ये तो इन्होंने बोले इतने बीघे जमीन है, ये सौ बीघे ये पटनी है, ये कितने है, ये के भाई आए, ये ताया चाचा हुई है, ये इसमें नहीं है। अब आगे ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसकी पावर एन कुछ भी हो सकता है, यानी इसमें तीन अगर घर के सदस्य तीन है, अभी चलो बाइनोमियल थ्योरम क्या के लिए कितने सदस्य के लिए पढ़ाई थी मैंने, दो के लिए, अभी तीन आ गए, अगर बाई चांस घर में एक और होती ताई फिर वो तो ढेर मान लाल संग्रह हो जाता तुम्हारे घर, जब दो में इतना हंगामा उठा रहे थे है नहीं, अच्छा पहली तीन है, ओ तो ढेर मान लो रोजाना चहल पहल लेती होगी, मोहल्ले वाले भी थक गए होंगे, उन्होंने कहा तो यही रोजा रोजन है, मोहल्ले वाले आते नहीं ऐसे मैं मैं गई, मोहल्ले वाले आते हैं एक या दो बार शुरू में हो नहीं स्टार्टिंग में, अब भाई वो भाई कुछ ना करो बैठ अंगे लड़ो ना भाई सब यूरो है, जब वो देना हो जाने का तो यूर है इनके, तो चलो भाई ऐसा ही नहीं होता
का सवाल है भाई, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, एक और कॉन्सेप्ट का सवाल ठीक है तरीके से उतार लिया। अच्छी बात है, कुछ लिखो भाई सवाल। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म विच आर फ्री, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, फ्री फ्री जी तो फ्री का नाज मिला है, विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन R A D I C A L, रेडिकल साइन क्या कहते मिलनी रहा। अरे नहीं राशन मिलता नहीं, मिलता नहीं कोटे में फ्री मिलता है, तमाम तमाम अखबारों में आता है भाई सरकार फ्री दे रही ना है कोटे का फ्री दे रही, ये हो गया वो हो गया दुनिया भरी रुक गया है राशन कार्ड जब मिलेगा पहले शादी होगी तभी तो बनेगा राशन कार्ड, यही वैसे बन जाएगा पापा का होगा राशन कार्ड तुम्हारे है नहीं तो फिर तुम्हारे तो जब बनेगा लिखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन इन द एक्सपेंशन ऑफ ये लिखो y की पावर 1 प्लस y की पावर 5 x की पावर 1 बाई 10 की पावर 55 ये एक्सपेंशन हो वही एक्सपेंड एक्सपेंड का मतलब क्या होता है फैलाना बड़ा करना चौड़ा करना है एक्सपेंशन ऑफ इसके मतलब इसके टर्म क्या कह रहा है सवाल पढ़ो पहले सवाल समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा वो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है क्या निकालनी है कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी अगर मैं इसका एक्सपेंशन कर दूं इसका तो क्या आना चाहिए फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन रेडिकल नहीं आया जो लिखे मैंने तो रेडिकल साइन हो गया रेडिकल साइन उसे कहते हैं जैसे मान लिया मैंने कहा भाई चार का स्क्वायर रूट निकलता है चार का क्या आ गया सही बात है और 25 का अच्छी बात है और 2 का 1 है 1.1 का क्या है बादशाह अब तो तुक्का लग रहा है है नहीं अब तो तुक्का लग रहा है नहीं अच्छा फिर मैं यू पूछने 12 का बताइए चलो
चलिए इसका भी चलो भाई सेवन क्यूब खींच के बता दे, रट लिया हुआ है। तो क्या है जिसमें ये नंबर भाई साहब फंस जाए पावर वाले वही रेडिकल है, सर्टिफिक क्या क्या है सर्ट एफ यू आर डी है ये, यानी कि इससे फील हो जाएगी। इससे क्या हो जा तुमने देखो अगर मैंने ये पावर थ्री लिख रहा था तो कम से कितना था मतलब भाई थ्री लिखता था पावर। तो यू कह रहा कि इनकी पावर रेडिकल फ्रॉम थ्री ये थ्री हो जा, इससे फ्री हो जा इन से इस इन निशान से ऐसे निशान में। अब समझ में आ गया इसकी पावर पूरा ऐसा है सॉलिड नंबर भी ठीक है। सवाल क्या है एक बार वो पढ़ो भाई इससे रेडिकल फ्री है मान लिया वो टर्म्स आर प्लस वन है वही जनरल टर्म्स है जिसको बता रहा था ये बह गई थी क्या बता रहे मुझे पी आर प्लस वन इज इक्वल टू क्या रहता है एन सी आर एन की वैल्यू क्या है 55 माइनस सी आर है एक्स की पावर क्या आ गया वाई की पावर वाई नहीं वाई की पावर 1.5 की पावर कितनी 55 माइनस आर आगे एक्स की पावर बाई 10 की पावर आर आर दिक्कत नहीं। एक बार वो थोड़ा सा लिख लीजिए छोटा सा याद ही था बना इसे लिखते हैं वाई की पावर भाई मैं पिछले 4 महीने से कार चलाने की कोशिश कर रहा सीखे नहीं जा रही नर वार्ड में लाई नहीं पा रहा तो एक दिन आ जाएगी एक दिन आ जाएगी। अगर एक दिन में आ जाता हूँ तो क्या हुआ मैं जेल में होता तो ऊपर होते ऐसा ही होगा नहीं या तुमने ही कोई स्कूटी या साइकिल या मोटर जो भी आती हो कितने दिन में सीखी थी भाई ये अच्छा चलाने में जो नेहरू मार्केट में ले भाई चलाना वही तो होता है अच्छा भाई भाई आप भीड़ भाड़ में चला कितने एक दिन वजह था और 2 दिन पेड़ पेड़ क्यों करें जी हम कैसे होंगे कि हम जो है पहाड़ों पर ले चले वहाँ को जितने अक्षय कुमार को घुमा दें वो तो सालों लगेंगे करने में। तो अब देखो बाइक में बहुत पहले चला बहुत टाइम हो गया लंबे चलाता लेकिन अब भी मैं यूनि वो जो पलटे से मारो जहाँ बाद कट से मारो जहाँ लड़ गए हैं वो अभी नहीं लगते भाई वो तो प्रैक्टिस की बात है बेचारे क्रो जाओगे और बाद अस्पताल में पहुँच जाओ करता करता है ठीक नहीं है क्या करें हाँ बहुत बार चोट भी लगी भाई शुरू शुरू में होता नहीं तो अभी प्रैक्टिस जब तुम प्रैक्टिस करते चले जाओगे नहीं क्योंकि हर काम क्या होता है प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन प्रैक्टिस हमेशा क्या बनाती है परफेक्ट बनाती है किसी भी चीज़ का। जब आप कहीं तैरने के लिए जाते हैं अगर गर्मी में तुम नहाते होंगे कहीं तो पहले दिन ही तैरना आता भाई कई महीने तक जाना पड़ा है वहाँ है उस जोहड़ में तालाब में नदी में कितने महीने तक जाना पड़ा है स्विमिंग पूल में भाई महीनों तक जब जागे हैं है? वो तो डर डर के पीछे ऊपर से ऊपर के यू करके चलो भाई हो गया है मैं कभी आके ना तैर से डरने लगा है हाँ फिर मिल गई थी हाँ यूँ तो कह रहा तो हर चीज़ क्या है हर चीज़ के लिए टाइम चाहता है हर चीज़ के लिए क्या चाहता है भाई टाइम इसलिए तो कह रहा पढ़ने में टाइम लगाना चाहिए कंटिन्यूटी लगातार जब आप पढ़ेंगे खुद जाएंगे लेकिन पहले करते चले पहले क्या होना चाहिए इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए क्या होना चाहिए पहले बेसिक क्लियर के बाद फिर होता है। अब मान लिया बेसिक भी क्लियर नहीं आई भारी भारी फाल शुरू होंगे पहले बेसिक को क्लियर कर लो हो जाएगा न होने की कोई वजह नहीं है। 15 सी आर ने उलझा लिया मुझे भाई एक्स की पावर आर बाई 10 बात में आ रही भाई ठीक है थोड़ा सा और आदमी से बना दूँ मैं अच्छा सा लगा 55/5 माइनस r/5 एक्स की पावर r/10 भाई साहब इसे क्या आ जाएगा 15 सी आर वाई की पावर 11 माइनस r/5 एक्स की पावर r/10 भाई
यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, कोई नई बात तो नहीं बताई, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, देखो ये यूँ कह रहा कि आर की पावर, देखो भाई जो जो ये आर की वैल्यू है ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम कितनी हो सकती है, आर की वैल्यू, वो टर्म से पूछ रहा मैं, आर की वैल्यू कितनी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, बता दे क्या कोई, आर की वैल्यू ज्यादा ज्यादा कितनी हो सकती है, हाँ 55 हो सके, क्योंकि मुझे एम सी आर से निकालना है, एम सी आर निकाल लूंगा मैं, तो एन कितना है, इससे आर बड़ा तो हो ही नहीं सकता माइनस का, कहीं कल ही बताया था मैंने तुम्हें कम्बिनेशन में, तुम्हें पढ़ा भी होगा पॉइंट कम्बिनेशन में, ये आर हमेशा क्या रहेगा, इससे लेस देन है, बताया था ना कम्बिनेशन में बताया होगा, तो जब ये लेस देन आएगा तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू की मैक्स कितनी आ गई आर की, आर किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, और हमेशा की वैल्यू किससे बड़ी होगी, जीरो से तो बड़ी होगी, और एन का मतलब 55 के या तो इक्विवेलेंट होगी या छोटी होगी, ये तो वैल्यू है भाई, यहाँ तो बात हो गई, ये क्लियर हो गई कि जो आर की वैल्यू है मेरी जीरो से 55 तक लाइफ करेगी, यानी कि जीरो से बड़ी और 55 से यहाँ तो बात हो गई। अब सवाल ये है कि वाई की पावर आर अपॉन फाइव है, यहाँ से आई, और एक्स की पावर कितनी है, यूँ समझो वाई की पावर आर अपॉन फाइव है और एक्स की पावर आर अपॉन, इन दोनों में वो नंबर होंगे कि क्या ना रेडिकल साइन ना बचे, रेडिकल साइन का मतलब पूरा पूरा हो, पूरा 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 पूरा, तो जब हो, जब अगर मान लिया वाई की पावर यूँ आ जा, क्या जा y का स्क्वायर, y का 3, y की पावर 4 ही तो हो नहीं, अगर भाई साहब ही वहाँ गए y की पावर 1.2 तो फंसा लेगा एकदम, ये भी फंसा लेगा, फंसा नहीं लेंगे, तो ऐसे नंबर आने चाहिए, ऐसे नंबर आने चाहिए रेडिकल सीरीमा ऊपर वाले हैं, ये अच्छे भी हैं जो इजीली हैं, ये तो फंस जो जहाँ ही लगे, और सवाल आदि दिमाग खराब हो ना भाई, बहुत भारी आगे सवाल है, अगर ऐसे ऐसे देवे फिर दिक्कत थोड़ा ही है, IIT में ऐसे ऐसे देवे थोड़ी से हैं घुमा घुमा सके, ऐसे नहीं देता वो, तो ये करा इससे फ्री होनी चाहिए, इससे फ्री कब हो सके भाई, आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ, क्या क्या जा भाई, यहाँ आर की वैल्यू क्या क्या आ सके, हाँ 10 से बड़ी, 10 एक तो क्या आ सके, एक तो 10, एक 20, एक 30, शाबाश, एक 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 क्या आ सके बताओ, कौन कौन सी आ सके, हाँ तो क्या क्या बोल लो कितनी आ गया, क्या क्या आ गया भाई, क्या क्या आ गया बोल लो, एक तो 10 आ गया, एक 20, अरे एक 40, अरे एक 55 तक है ना भाई, आर की वैल्यू तो 55 से छोटी छोटी रह सके, 50 नहीं आना है, मल्टीपल नहीं होता 50, हाँ तो 50 तक लिख तो दिया मैंने, मैं भी तो ये कह रहा भाई, यहाँ तो बात समझ आ गई, अच्छा तो लेकिन आर की वैल्यू एक और हो सके भाई, इसमें जीरो भी तो हो सके, ये क्यों जीरो नहीं हो सकती, देखो आर की एक्स की पावर जीरो, इसके एक्स की पावर जीरो अपॉन 10 कितना जाएगा, एक्स की पावर जीरो, और जीरो की वैल्यू कितनी हो, किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू कितना, आर की वैल्यू जीरो भी हो गई, हो नहीं गई, तो भाई इसमें आर की वैल्यू जो है जीरो से 55 तक लाइक कर रही, जीरो से 55 तक लाइक, तो कौन कौन से है, कौन कौन सी है वो, जीरो 10 20 30 40 और एक, अच्छा जब आर की वैल्यू जीरो है तो टर्म्स कौन सी हो गई, जीरो प्लस वन तो कौन सी हो गई, टी वन फर्स्ट टर्म हो गई वो, जब दसवीं टर्म्स है तो कौन सी होगी, इलेवन बेटे आर की वैल्यू, तो आर निकली, टी की वैल्यू कितनी आएगी, टेन प्लस वन इलेवन, या टेन प्लस वन लिखो,
इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, इसकी वैल्यू 20, फिर ये वो टर्म्स होगी भाई जो रेडिकल फ्री कौन सी टर्म्स होंगी। आ गया था एक बार ये सवाल, इसकी में बताओ कौन कौन सी टर्म रेडिकल फ्री होंगी, कौन कौन सी टर्म रेडिकल फ्री होंगी, कौन कौन सी होंगी, T1, T11, T21, T31, T51। एक बार काउंटिंग बता दी थी इसने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन सी टर्म कितनी फ्री होंगी, 6 टर्म। और एक बार इन्हें कहा था कि नाम भी बता देते, ये नाम दे देते, फिर एक मतलब T7, T8, T9, अब बता कौन सी फ्री होंगी। आ गई बात, तो कौन सी फ्री होंगी, ये कहाँ से फ्री होंगी, रेडिकल साइंस समझ गए, थोड़ी महाभारत फिक्र करना चाहो कोशिश। अच्छा सवाल था, मुश्किल सवाल, बढ़िया था सवाल, हैं देखो भाई, अगर कहीं है एन स्टैम्स इनफिनिटी, नई चीज थोड़ी समझने की कोशिश कर ले भाई, ये हो अगर कहीं कहते लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिटी, ये क्या चीज है, पढ़ा कभी ना भी सुना देखा ही चाहूं क्या नहीं, नहीं बताया कि एक तो यूं हो भाई है, क्रिकेट देखा किसने, देखा कि क्रिकेट देखता होगा कोई मैच, क्रिकेट देखा होगा या सुना होगा, 2020 मैच की बात सुन लो तुम, अगर मान लिया शुरू के 10 ओवर हो गए तो बढ़िया खेल ले, तो कमेंटर ही कहता है इंडिया टू कन्वर्ट टू द लार्ज स्कोर, ये इंडिया कन्वर्ज हो रहा है, इंडिया कहाँ की तरफ बढ़ रहा है, बड़े स्कोर की तरफ, यही तो कहना कमेंट है। और चाहे अगर डेवर फेस आ रहा है यहाँ से जा पा रही बात कि 10 ओवर में 100 रन, अगले 10 ओवर में 20 रन बनाया, 30, 40, 50 ही बनाए,
ऐसा नहीं होता, मतलब बनने नहीं, अंदाज है इसका, बन जाएंगे हैं, ये यूँ कह बनेगा ही इसको, यूँ क्या है वो क्या है भाई, बड़े स्कूल से बढ़ रहा है, तो यो एन जो है इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, ये बता रहे थे, इन्फिनिटी नहीं है इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी नहीं इन्फिनिटी जैसा, इन्फिनिटी जैसा कोई भाई हो, अब तुम मेरा भाई जैसा भाई नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है इसका मतलब, भाई जैसा मेरा दोस्त जैसा, दोस्त नहीं है तू अब, दोस्त जैसा, तो जैसा जहाँ जा फिर फर्क आ जा फिर, तो एन अगर इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज हो रहा हो तो वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, या लिमिट दी हुई है एन ट्रांस टू इन्फिनिटी को, लिमिट दी हुई है वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, हमेशा ई की वैल्यू ई के बराबर होगा, कहे के बराबर होगा, वेयर ई इज द इरेशनल नंबर, वेयर ई की ई वैल्यू की एक्सपोनेंशियल पढ़ाई होगा, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला किसी ने पढ़ा होगा, ये ई वही है, ये ई क्या की वैल्यू क्या है बराबर हो गई वो ई, और इसकी वैल्यू हमेशा लिखो ई बराबर लिख लो 2.781 होती है, क्या होती है ई की वैल्यू ये हमेशा क्या के इक्वल होता है, ये ई के इक्वल होता है, क्या के इक्वल होता है ई, ई हमेशा इरेशनल नंबर होता है, ये इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है ये, और इसकी वैल्यू कितनी होती है ई की वैल्यू 2.781 होती है, 8 वन करी 18 देखिए डाली, अरे मैंने क्या कहा था, आगे बात में क्या बताया चला, ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है ये, इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज हो रहा जा रहा, मैं तेरी से बढ़ रहा इन्वर्ज की तरफ, ये बहुत बड़ा, तो वन कौन एन, वन कौन वन एन कौन एन, या इसे यूँ कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, जो भी यहाँ ये होगा, देखो एक मिनट के लिए, जो भी यहाँ होगा इसकी पावर उसकी क्या होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए, क्या कहा मैंने, अगर यहाँ वन पोन एन है तो यहाँ कितनी होनी चाहिए, एन, देखो ये इसे यूँ लिख सकता हूँ भाई मैं, हाँ देखो इसे यूँ लिख सकूँ मैं, जीरो तो आ ही लिया, तो इसकी वैल्यू ई के बराबर हो जा, कहीं बराबर हो जा, तो तुमने लिमिट में पढ़ा होगा, बहुत लिमिट के सवाल भी करे होंगे तुमने, ई हमेशा ई यू ही तो हो, वो ई के बराबर होता है, ये यूँ भी हो जा भाई, ये नहीं हो सकता, देखिए यू तो हो सके, क्यों क्या बताया मैंने, है हो सके, एक सवाल करता है ऊपर थोड़ा सा, कौन सा आपको समझ में आ गया, आगे बैठे गार्ड है, ये कौन सा गार्ड जाकर आ रहा है, क्योंकि सवाल तो ऐसे ही है ये तो इसकी वैल्यू क्या है बराबर होगी, इरेशनल नंबर, ई की वैल्यू कितनी होती है, ई ई की वैल्यू कितनी है 2.718 होती है, तो याद कर लेना भाई, क्या कह रहे हैं, याद होगी, बड़ी अच्छी बात है, बहुत दिन तुम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ने भी याद होगी, इसको भाई एक सवाल हो, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर क्या लिखा, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर, ये लिख लो, फाइंड द नेक्स्ट पॉजिटिव, इससे पहले ये निकालो, फाइंड द नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द, इससे क्या पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्या
आगे बात नहीं तो क्या नहीं थी पॉजिटिव होते जाते हैं। देखो भाई आप एक बात सुनो आगे भाई, ये सवाल है, इस सवाल क्या करता हूँ मैं, तो वन पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, हाँ भाई अगर ये पॉइंट फाइव है तो इसे पॉइंट को किस तरह हटाते हैं, इसका बताया था मैंने एक बार, वो मैंने बताया था इसका क्या आ जाएगा बता, आ गया भाई किस तो टेन आया बता दे किस तरह आया भाई, पॉइंट के नीचे वन लिख दो और उसके नीचे जीरो लिख दो, ठीक ही तरह बता रहे इसमें क्या आ जाएगा, वन अपॉन ये कोड लगाऊं फोर तो नहीं लगाऊं बतेरे हो गए छुट्टी हो गई। अच्छा भाई ये बात ये आ गया वन प्लस ये आ गया है। देखो भाई अब इसकी वैल्यू जो है एक से बड़ी होगी या छोटी होगी, बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू तो बड़ी होगी भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी क्योंकि ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी ई, इसकी वैल्यू बेटे ई रखी भी डायरेक्ट भी फॉर्मूले बताया मैंने, इसकी वैल्यू कितनी रखी ई ने रखी और ई की वैल्यू कितनी हो, तो इसकी वैल्यू जो है यानी कि इसकी वैल्यू जो है ये लिख सकता हूँ मैं यो दो से तो बड़ी होगी, दो से बड़ी नहीं है और छोटी क्या इससे करना क्या होगी थ्री से छोटी होगी, तो इससे नेक्स्ट क्या होगा इसका कौन सा टर्म्स होगा कौन सा इंटीजर होगा फोर होगा, नेक्स्ट टर्म कौन नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा इसका इंटीजर तो हो वन टू थ्री फोर फाइव तो वो रियल नंबर, इसका क्या वैल्यू है भाई इसकी है ये की वैल्यू कितनी हो 2.7 तो इससे गड़ला कौन सा एकदम नेक्स्ट इंटीजर होगा थ्री होगा, टेन की वैल्यू थ्री यार तुम भी सोच रहे बस इतना था आसान था मुश्किल था ज़्यादा चमन्नी मक्खन परा सा सवाल है ये कौन सा गुस्सा बता के अंदर समझ में नहीं आ क्या वैल्यू है आ गया, अरे भाई देखो सीधी सीधी बात है ये ई की वैल्यू रखी यू कह रहा इससे कर ला इंटीजर क्या होगा, इससे ले इंटीजर वन टू थ्री यही तो इंटीजर हो 2.7 से कर ला एकदम कौन सा है पूछ गया तीन दो रुपये 70 पैसे या 72 पैसे या 3 रुपये के पास ही घूम रहा था कितना होगा 3 रुपये जो तुम्हें छुट्टी एक सवाल बताऊंगा फिर देख लेना तुम्हें एक सवाल में बताऊँ भाई ये है जाओ तुम चले जाओ उसमें देख लियो है तो भाई से एक सवाल और बताते हैं थोड़ा सा एक नंबर आसान सा बताया नंबर वाला है नंबर वाला बहुत दिन हो गए एक्स वाई करते करते दिमाग सा खराब हो गया है गाड़ ले भाई लिखेंगे सवाल नाइन की पावर सेवन लिखेंगे नाइन की पावर सेवन माइनस सेवन की पावर नाइन माइनस इज डिविजिबल बाई नाइन डिविजिबल बाई एन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन हियर हियर एन बिलोंग्स टू एन ये है ना ये वाला हियर एन बिलोंग्स टू एन एन कौन सा है भाई ये नेचुरल नंबर
वेयर एन बिलोंग्स टू एन। देखो भाई सवाल क्या है, वो जो तुमने लिखा ना टू की पावर एन ब्रैकेट में उसके अंदर एन भी लिख दो, एक ही बात है, चाहे तो एन कह दो चाहे एन कह दो एक ही बात है। हाँ चाहे तो टू की पावर एन भी कह सके एन भी कह सके, मैं कहना चाह रहा आपसे वो जहाँ टू की पावर एन लिखा हो ना नहीं है ये चाहे तो यही कहते चाहे कहते एक ही बात है ठीक है। सवाल क्या है भाई, सवाल क्या समझने की कोशिश करेंगे पहले, क्या सवाल है भाई बोलो। एन की सबसे ज़्यादा वैल्यू बतानी और एन बिलोंग्स टू एन, एन जो है एन ये एन इस एन का क्या मतलब होता है, तो नेचुरल नंबर के लिए करते हैं, पहले दिन ही बताया था मैंने, जो बाइनोमियल थ्योरम है वो अप्लाई होती है नेचुरल नंबर के लिए। आगे बढ़े भाई थोड़ी सी बात शुरू करते हैं दोस्तों, क्या है अच्छा भाई इसे सोल्व करना है मुझे, इसे सोल्व करना है नाइन की पावर सेवन क्या है इसमें डिमोर थ्योरम लगा दूँ भाई, मैं लगा दूँ डिमोर थ्योरम किस तरह लगती है, दो टर्म होनी चाहिए है ही नहीं दो टर्म इसमें है कहीं इसे नाइन को किससे ले सकता हूँ, एट प्लस वन सेवन लिख दूँ लिख सकते नहीं, और इसे सेवन पावर नाइन को मिल जाऊँगा, रिश्तेदारी निकालनी भाई एक जैसे होना पड़े हैं, जब रिश्ता हो तो देखा रिश्ता होते लिख लिया देखा हुआ यूँ बताया भाई, वो जो लड़का छोटा था जो नहीं और भाई बहुत बड़ा इंजीनियर है तो है झुट्टी मुट्टी बात बताया बताई नहीं जाती, और इन्हें बहुत तकड़ा आदमी बहुत रईस आदमी फिर चाहिए तो है तो इस तरह ही है, इसमें डिमोट से लगाएंगे क्या आ जाएगा लगाइए भाई को इवेंट डिमोट से लगाइए भाई वो तो आठ वाली है बहुत आसान है वन टू कुछ वैल्यू नहीं लगवा तो डिमोट से क्या आ जाएगी अरे थोड़ी बहुत थोड़ी बात समझो आपके दोनों की भाई कुछ कुछ तो थोड़ी आई होगी आज
देखो भाई, देखो मैंने सही लिख किया गलत लिख लिया है। अभी देखो अब तुम्हें घर का ही काम दे रहा। अच्छा देखो देखो भाई, एट सी रेम वैल्यू लिख देंगे, लिख लेंगे इसकी वैल्यू भी लिख लेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेंगे, इनकी सबकी वैल्यू लिख लेंगे भाई। इसमें कुछ कट भी जाएगा, क्या जाएगा, कुछ कट भी जाएगा थोड़ा बहुत। जब इसमें से ये माइनस करूँगा मैं, ये तो क्या है, जितना भी होगा देखो यही तो गलती होगी। देखो क्या क्या सेवन है, सेवन क्या गए, निकाल लूंगा सर। हाँ भाई और भी आइए सर, एक के पर आपने एक पावर दी थी ना सर, लास्ट में अब पर सर लास्ट से पर। हाँ सर ये सही करो, देखो क्या आगे पावर सेवन फाइव फोर थ्री थ्री टू टू आगे वन सर, वन वन सर, वन की पावर से इसलिए वन लिख रहे। हाँ देखो कितनी बड़ी गलती होगी, कितनी गलती वहाँ भाग गया होगा मैंने। ठीक है जो आ गया तो अब क्या है, सेवन सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन वन होती है। अब इनकी वैल्यू एट की पावर सिक्स को मत खोलना, ये काम आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, काम आ जाएंगे। तो इसे इनकी वैल्यू खोल देना बस, इसकी जीरो इनकी कम्बिनेशन की, फिर इसमें से क्या कर देना इसको माइनस कर दो, क्या कर देना इसका माइनस कर दो। ठीक है तो कुछ शायद कुछ बात बन जाएगी और वही इसका आंसर हो, वही कल बता दूँ कर लूँ घर बैठ के तुम सर। पर नीति शुरू होगी बात है, मुझे दिखा रहे कुछ घर बैठ सर, जब से मैं माइनस करूँगा यूँ ये तो ये आ जाएगा भाई इधर की वैल्यू, ये आ गया इधर कुछ को मना जाएगा। इसका आंसर आएगा 64 आएगा, क्या आएगा इसका आंसर 64 आएगा, कर लूँगा भाई नहीं तो कल को ना बताऊँगा। आज के लिए इतना ही है, ठीक है भाई, थैंक्स, बैठ कर।